हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन गुरु, द नंबर वन कोचिंग सेंटर ऑफ चंडीगढ़। और आज हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फॉस्फीन, फॉस्फीन गैस। आप सब लोगों को ये चीज़ पता है कि वो इनऑर्गेनिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसके ऊपर हर तरह के कॉम्पिटिशन में, लाइक अगर आप कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल का कंपटीशन ट्राई कर रहे हो, TGT, PGT या मास्टर कैडर, और उसके अलावा अगर आप 12th के बाद लाइक नीट, JEE मेंस, एडवांस, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो फॉस्फीन गैस के ऊपर क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये अमोनिया के नीचे वाला कंपाउंड है ना, NH3 के नीचे PH3, मतलब उस ग्रुप का कंपाउंड है ये। सो बेसिकली इसका कंपैरिजन के बेसिस पे ऐसे वैसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत रहती है। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं फॉस्फीन गैस के लिए, ठीक है। फॉर्मूला है उसका PH3। किसकी बात कर रहे हैं? फॉस्फीन गैस की। उसका फॉर्मूला क्या है? PH3। देखो, अब पहली चीज जो आपके माइंड में फॉस्फीन को देख के आती है कि उसकी स्मेल के ऊपर है ना, सो उसकी एक रॉटन रॉटन फिश जैसी स्मेल होती है। जो फॉस्फीन है ना, उसकी जो स्मेल है, मतलब कभी किसी टेस्ट में उसको डिटेक्ट करना हो तो वो किस स्मेल से डिटेक्ट होता है? उसकी रॉटन फिश जैसी स्मेल होती है PH3 की। अब जब भी आपके माइंड में PH3 आ रहा है, तो आपके दिमाग में PH3 का नाम सुनते ही, फॉस्फीन गैस का नाम सुनते ही, सबसे पहले दो चीजें आनी चाहिए आपके माइंड में। एक क्या? उसकी बेसिसिटी, दूसरा उसका बॉन्ड एंगल। दो चीजें आपके माइंड में तभी आ जानी चाहिए। क्या कौन सी है? पहली है उसकी बेसिसिटी, दूसरा है उसका बॉन्ड एंगल, ठीक है। बात करते हैं हम इसकी बेसिसिटी। यही ग्रुप, मतलब ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का है, जैसे बेसिकली नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सिन हो गया एंड एंटीमनी हो गया। चारों के चारों एलिमेंट्स हैं। चारों के चारों एलिमेंट्स के हमने हाइड्राइड्स ले लिए हुए हैं, हाइड्राइड्स लिए हैं, अमोनिया बनाया है, फॉस्फिन बनाया है, एस्टीन बनाया है एंड स्टीबिन बनाया है ना, चारों के चारों ग्रुप बनाए हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी बेसिसिटी के ऊपर। बेसिसिटी के ऊपर हमने वैसे सिंपली क्या सुना होता है कि जो अमोनिया है ना, दिस इज द मोस्ट बेसिक, दिस इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा बेसिक कंपाउंड है। बेसिसिटी की बात करें तो अमोनिया की बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है। रीजन की बात अभी हम करते हैं, है ना। अगर आप इसी मैनर में स्टीबीन की बात करो तो दिस इज लीस्ट बेसिक, यही बात होती है। सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन है? अमोनिया है इस ग्रुप में। सबसे बुरा कौन आ जाएगा? स्टीबीन आ जाएगा। इसी के ऊपर हम बात करते हैं। दूसरी साइड पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, सिंपली हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि अमोनिया का जो कंपाउंड है उसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री से, राइट। पर उसके बाद अगर आप PH3, ASH3, BH3 की बात करते हो तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है, नीचे जाते जाते कहते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाता है। पर आपको पता है यहां पे बॉन्ड एंगल की जो वेरिएशन है ना, यहां पे 107 से 94 जाते हुए यहां पे 13 डिग्री का वेरिएशन है, लेकिन उसके बाद अगर आप 94 से 93 जा रहे हो तो सिर्फ 1 डिग्री का है, 93 से 91 जा रहे हो तो 2 डिग्री का। दैट मीन्स शुरू में एक बहुत बड़ा चेंज है, 13 डिग्री का है ना। सो हमें रीजन पता होना चाहिए कि क्या है ऐसा अमोनिया में कि जो बाकी सारे कंपाउंड्स में, मतलब नीचे वाले तीनों में नहीं है। जो हमें क्वेश्चंस आने होते हैं अमोनिया के साथ, PH3 को ज्यादा, मतलब उसके साथ रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, हम जैसे बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे ये बॉन्ड एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है नीचे जाते जाते, तो सबसे पहला रीजन क्या होता है बेटा? कहते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है ना, द बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फीन है, आर्सिन है, एंटीमनी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है सारे, आपको पता है, ऐसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ऐसे पड़े हैं, है ना, चारों पड़े हैं। आपको ये भी पता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो हमने सीखा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। इसका क्या मतलब हो गया कि नाइट्रोजन की सबसे अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? हमें पता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है? वो है
थ्री, तीन है ना बस फॉस्फोरस। आपको डाटा याद नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। अगर आप फॉस्फोरस की बात करोगे तो इट्स 2.1, आर्सेन इसके 2 है, और स्टेबिन इसकी बात मतलब एंटीमनी इसकी बात करेंगे हम तो इट्स 1.9, ऐसा है कुछ, है ना। दैट मींस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। पहला रूल क्या होता है, सिंपली आप कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज का बॉन्ड एंगल देखने, किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल देखने के लिए। कहते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस कंपाउंड के पास उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होएगा। पर कंडीशन क्या है, व्हेन द पेरिफेरल एटम इज सेम। पेरिफेरल एटम मतलब जो ग्रुप उसके साथ अटैच है, सबके साथ हाइड्रोजन अटैच है ना। अब ये नहीं है कि एक बार मैं एन के साथ हाइड्रोजन अटैच कर दूं, दूसरी बार फ्लोरीन अटैच कर दूं, तीसरी बार फॉस्फिन के साथ मैं क्लोरीन अटैच करके बैठी हूं, नहीं। जब पेरिफेरल एटम मतलब हाइड्रोजन है जो वो सेम है मतलब चारों के चारों एलिमेंट के साथ, तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगा। क्यों होएगा, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। Electronegativity and bond angle is directly proportional to each other when the peripheral atom is same. ठीक है, समझ आई पहली बात हमें, है ना, कि bond angle इस चीज के ऊपर depend करता है। Secondly, basicity. हम कहते हैं जो ammonia है ना, जो ammonia है वो सबसे अच्छा base है, उसके पास लोन पेयर होते हैं, नो डाउट। इनके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेम मैनर में, उसके पास लोन पेयर होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जो अमोनिया है वो sp3 hybridized होता है, और जो उसके नीचे वाले एलिमेंट्स हैं लाइक PH3, ASH3, SBH, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उनको उसको कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या कहते हैं, देर इज नो नीड टू कंसिडर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज थ्री कंपाउंड्स। क्यों, ये कौन बताता है हमें, बेसिक चीज है ना, ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें कौन बताता है कि इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको बेसिकली हमें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। वो बताता है ड्रैगोस रूल। ड्रैगोस रूल क्या कहता है, हम आगे बात कर रहे हैं आगे ही नेक्स्ट स्लाइड में, पर बेसिकली हमें ये चीज पता है, एक तो सिंपली हमें पता है कि अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, पर जो बाकी तीनों हैं उनका जो कंपाउंड मतलब जो बाकी तीनों है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, कौन बताता है हमें, ड्रैगोस रूल बताता है। होपफुली यहां तक आपको बात समझ आई होगी। फॉस्फिन आपके सामने आया, आपने दो चीजें कंसिडर करनी है, बेसिसिटी, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल तो सीधा डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। उसका रीजन क्या है, कब कब होता है, जब उनके साथ जो पेरिफेरल एटम है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, टैट इज सेम, सो उस केस में आप सिंपल रूल अप्लाई कर सकते हो। बेसिसिटी के लिए हमने कहा अमोनिया सबसे अच्छा बेस है, ऑफ कोर्स एज कंपेयर टू अमोनिया फॉस्फिन इज पुअर बेस, है ना। सो क्यों, क्योंकि इधर जाते जाते डाउन दी ग्रुप जाते जाते एक जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो तो चलो है ही, इसके अलावा आप क्या कह सकते हो कि जो अमोनिया है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन हम कंसिडर ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी आगे अगली स्लाइड में। देखो बेटा क्या कहते हैं, ड्रैगोस क्या कहता है, ड्रैगो कहता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 4 हो। पहली चीज, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जैसे आप बात कर लो फॉस्फिन की बात करो, फॉस्फिन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 है, और लोन पेयर है 1, एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, सब मिला के क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, ठीक है। ये नो डाउट इस रूल को कौन फॉलो भी करता है, अमोनिया भी करता है, क्योंकि अमोनिया में भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ लोन पेयर मिला के 4 बनता है। पहली कंडीशन ये। दूसरा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू और लेस देन 2.5, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 के इक्वल आ जाए या उससे कम हो जाए, दूसरा रूल ये है, ठीक है। तीसरा क्या है, अब हमें पता है इसमें अमोनिया को छोड़कर नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी तीनों के तीनों कंपाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 थी, बाकी जो सारे हैं उनका उसके बाद 2.1 एंड समथिंग मतलब लोअर में आ गए। फॉस्फिन ने पहला भी कर दिया, दूसरा है जो उसको भी वो भी एप्लीकेबल बैठ रहा है। उसके बाद द सेंट्रल एटम मस्ट बी और बिलो 3rd पीरियड, जो सेंट्रल एटम है ना, जहां तो वो 3rd पीरियड का होना चाहिए। 1st पीरियड हमें पता है हाइड्रोजन एंड हीलियम,
सेकेंड पीरियड वो नाइट्रोजन वाला फैमिली, वो पूरा जो जाके 10 पे खत्म हो जाता है। उसके बाद मतलब 11 से थर्ड पीरियड शुरू हो जाता है और उसके नीचे वाले हैं जो वो सारे थर्ड और बिलो में आते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट है जो वो थर्ड पीरियड का होना चाहिए या उससे नीचे किसी का होना चाहिए, और सेंट्रल एटम हैज कंटेन एट लीस्ट वन लोन पेयर। अगर कोई इन चारों के चारों रूल्स को फॉलो करता है, दैट मीन्स वो ड्रैगो रूल्स को फॉलो करता है। और जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनकी हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर्ड नहीं करी जाती। बात समझ आई मेरी? देखो चार रूल्स हैं, कहते जो इन चारों रूल्स को फॉलो करता हो। चारों रूल कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 4 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू और लेस देन 2.5 हो, सेंट्रल एटम और मस्ट बी और बिलो थर्ड पीरियड हो, और सेंट्रल एटम हैज कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर कंटेन करता हो। तो अगर ये चारों के चारों जो रूल्स है वो कोई फॉलो करता है, चारों के चारों करने चाहिए, ये नहीं है इनमें से कोई एक रूल फॉलो करता है तो हम कह दें नहीं, जो चारों के चारों रूल्स फॉलो करता है तो देयर दैट मींस कि वो वाले कंपाउंड्स की देयर इज नो नीड टू कंसिडर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, उस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। उन कंपाउंड्स में क्या होता है, उन कंपाउंड्स में सिंपल ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, वो जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉस्फीन की बात कर रही हूँ, उन कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा, उन कंपाउंड्स में सिंपल ओवरलैपिंग होती है पहली चीज, और उनकी जो सिंपल ओवरलैपिंग है ना उसमें क्या होता है, देखो उनकी जो सिंपल ओवरलैपिंग होती है उसमें क्या चीज होती है कि उसमें जो उनका ओवरलैप करके, जैसे हम ये कह दें कि देखो इसमें हम देखते हैं कि जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे फॉस्फीन है, सिंपल ओवरलैपिंग की बात करी ना मैंने, तो फॉस्फीन है तो हम कहते हैं कि उसमें फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने सिंपली एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके ये बनाया है, और उसके ऊपर यहाँ पे एक प्योर एस ऑर्बिटल बच गया। ये एक एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ऊपर वाले वो प्योरली वैसे के वैसे बचे हुए हैं। ठीक है, अब देखो जो ऊपर प्योरली, क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस इज 15 बेटा, 15 दैट मींस जो पीछे है दैट इज 3s2 एंड 3p3 ये आने वाला है ना। सो 3s2 ये दो और 3p3 ये तीन, तो दैट मींस ये तीनों के साथ तो एक एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बनाता है, लेकिन जो ये वाला s है वो प्योरली ऊपर बच जाता है। पहली चीज इनकी हम हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि इसमें इस बॉन्ड को बनाने में जो पार्टिसिपेट करता है ना वो प्योर पी ऑर्बिटल करता है। ठीक है, देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करता है बेटा प्योर पी ऑर्बिटल, जो प्योर पी ऑर्बिटल है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, और जो ऊपर वाला ये हमारा एस ऑर्बिटल है, मतलब दिस इज आल्सो अ प्योर एस ऑर्बिटल। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये क्या नहीं करता, डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका कारण क्या हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, वो नहीं करता तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसका उसके वजह से क्या हो सकता है कि जो एस ऑर्बिटल, मतलब जो प्योर हमारा एस ऑर्बिटल है ना वो डैट मींस जो न्यूक्लियस है उसके साथ उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए आप उसको इजिली बाहर नहीं निकाल सकते और इजिली किसी के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते। उसकी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, और वो डिफिकल्ट टू रिमूव होने की वजह से वो अच्छा बेस नहीं है, मतलब वो किसी को अपने लोन पेयर, मतलब ये लोन पेयर है जो एस के पेयर है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, वो इजिली किसी को डोनेट नहीं कर सकता। देखो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है पी, जो एस है वो नहीं कर पाता। रीजन क्या है कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होने की वजह से, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती ना, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो होनी नहीं है, ड्रैगोस ने बता दिया। इसमें तो क्या होता है, इसमें होता है हमारा बेटा ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग के हिसाब से मैं बता रही हूं। सो ओवरलैपिंग के हिसाब से जो ये प्योर एस ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ होता है, आगे पढ़ा है ना, तो इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके किसी दूसरे के साथ पार्टिसिपेट कराना इट्स वेरी डिफिकल्ट। इस वजह से सिर्फ इस केस में प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, और दूसरी चीज
दैट मीन्स इस केस में जो प्योर एस ऑर्बिटल है हमारा वो क्या पड़ा है, वो अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। और जितना ज्यादा प्योर एस ऑर्बिटल किसी के पास खाली पड़ा होता है उतना मुश्किल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराना। सो बेसिकली वो बॉन्ड फॉर्मेशन में प्योर पी ऑर्बिटल ही सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, जो एस ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसका रीजन हमें पता चल गया है, ठीक है, क्योंकि वो ओवरलैप करता है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं बनती उस, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम जो फॉस्फीन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन है जो उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। मतलब हमें ये पढ़ लिया है कि जो अमोनिया है सिर्फ उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो उसके बाद फॉस्फीन वगैरह है उनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। दूसरी चीज समझ आ गई होगी होपफुली आप लोगों को, ठीक है। जब प्योर एस करेक्टर हो जाता है तो उसको पार्टिसिपेट कराना, मतलब परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बहुत ज्यादा है ना, 100% है पीएच 3 के केस में। लेकिन अगर आप वही अमोनिया की बात करो, जैसे हमने एनएच 3 की बात करी, तो उसमें क्या है, उसमें एसपी 3 हाइब्रिडाइज है, दैट मीन्स कुछ 25% है एस करेक्टर, ठीक है। एस करेक्टर कम है, दैट मीन्स इजी आप उसको पार्टिसिपेट करा सकते हो और वो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अमोनिया इजिली डोनेट कर सकता है इसलिए अच्छा बेस है, और जो दूसरा है वो इजिली डोनेट नहीं कर सकता, दैट मीन्स वो अच्छा बेस नहीं है फॉस्फिन, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अभी हमने ये ड्रैगोस के हिसाब से बात कर ली कि फॉस्फिन है जो वो ड्रैगो को फॉलो करता है, इसलिए वो हम क्या कह देंगे, अच्छा बेस नहीं है, उसके लिए हमने थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली है। अब हम आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। देखिए अब हम ना ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम फॉस्फिन की कुछ रिएक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा, मैंने व्हाइट फॉस्फोरस लिया है, ये रिएक्शंस होती हैं, इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। व्हाइट फॉस्फोरस लिया है, उसको एक बेस NaOH एक बेस है, एंड वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो वो क्या देता है, NaH2PO2, दैट मीन्स सोडियम हाइपोफॉस्फाइट देता है, और साथ में जो ये वाली गैस देता है हमारी, कौन सी गैस, फॉस्फीन गैस देता है, वो गैस क्या है। वैसे तो जो प्योर फॉस्फीन होती है ना, ये पॉइंट को ध्यान से सुनना है, जो प्योर फॉस्फीन होती है वो बर्न नहीं होती इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पर जब वो इस फॉस्फीन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेके आता है तो वो बर्न होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये क्या होनी शुरू हो जाती है, बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होना शुरू हो जाती है, बर्न होना शुरू हो जाती है बेसिकली। सो उसकी वजह से क्या होता है, देखो पीएच 3 क्या है, वो बर्न होना शुरू हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटीज भी ऐड है। इसका क्या मतलब हो गया कि उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटीज ऐड है। अब जो इंप्योरिटीज ऐड है वो वाली इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, मतलब पीएच 3 के साथ और क्या क्या ऐड है, P2H6 एंड हाइड्रोजन गैस, ये वाली इंप्योरिटीज है। इस वजह से ये क्या है, ये प्योर नहीं है, हमें पता चल गया ये प्योर नहीं है। अब इसको प्योर करना है अगर, है ना। सो ये वाली दो क्या है, ये हमारी क्या है, इंप्योरिटीज है। अब हमने सबसे पहले क्या करा, जो इंप्योरिटीज हैं उनको फ्रीज कर, मतलब पूरा पीएच 3 प्लस इंप्योरिटीज को क्या करा, फ्रीज करा। उसमें आपने क्या देखा कि पीएच 3 एंड P2H6 ये क्या होगी, ये फ्रीज होगी, ये इजिली फ्रीज होगी। हाइड्रोजन गैस फ्रीज नहीं हुई, क्यों, ड्यू टू क्योंकि वो लाइट गैस है, ठीक है, वो लाइट है तो वो ऊपर रहेगी, वो फ्रीज नहीं हो पाई, ये दोनों फ्रीज होगी। अब जब ये फ्रीज हुई तो इसको HI हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, या आप कह दो कि मतलब जैसे हाइड्रो आयोडिक एसिड है जो HI, उसके साथ रिएक्ट करा। तो जब HI के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो सिर्फ जो PH3 है वो रिएक्ट करता है, मतलब P2H6 तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, सिर्फ PH3 HI के साथ रिएक्ट हो गया और उसने रिएक्ट करके क्या बना दिया, PH4 पॉजिटिव, मतलब फॉस्फोनियम बना दिया और आयोडाइड बना दिया, आई नेगेटिव बना दिया, एक फॉस्फोनियम आयन बना दिया PH4 पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब जब फॉस्फोनियम आयन को आप एक KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करोगे और हीट करोगे तो आपको जो यहां पे फॉस्फीन मिलेगी बेटा, विच इज प्योर, दिस इज 100% प्योर
फॉस्फिन, और इस फॉस्फिन के साथ अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्ट भी करोगे ना तो क्या होने वाला है, वो बर्न नहीं करेगी। सो आपको उसकी प्योरिटी का पता चल जाएगा। देखो इसके ऊपर कुछ भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो फॉस्फिन है, सिंपली वो पूछ सकता है कि जो फॉस्फिन है वो उसको प्योर करने के लिए, या वो कह सकता है कि जब व्हाइट फॉस्फोरस का किसी बेस के साथ, एक्वस बेस बोलेगा ना तम, क्योंकि बेस है NaOH एंड वाटर है साथ में, तो एक्वस बेस हो गया। एक्वस बेस के साथ कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो फॉस्फिन मिलती है वो क्या होती है, वो बर्न होना शुरू हो जाती है। पर हमें ये चीज तो खुद से पता है कि जो प्योर PH3 होती है वो बर्न नहीं होती, ठीक है, मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसकी बर्निंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो हमें पता है कि वो इम्प्योर है। उसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी है हमें ये पता होना चाहिए, कौन कौन सी है बेटा, P2X6 है एंड H2 है, ठीक है। अब उन इम्प्योरिटीज को हमें रिमूव करना है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, फ्रीज करा। फ्रीज करने से क्या हुआ, फॉस्फीन एंड P2H6 जो ये दोनों चीजें हैं ये फ्रीज होगी। हाइड्रोजन वो एक लाइट गैस है, मतलब लाइट है ना, हैवी नहीं है, तो लाइट गैस होने की वजह से वो क्या हुई, वो नहीं हो पाई फ्रीज। उसके बाद इसी की हमने HI के साथ रिएक्ट करा। HI के साथ सिर्फ PH3 रिएक्ट करता है, P2H6 करता ही नहीं है। सो PH3 उसके साथ रिएक्ट करा तो उसने फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाया। वही जो फॉस्फोनियम आयोडाइड है अगर आप उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया उसके साथ आप रिएक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे PH3 मिल रहा है, दैट इज 100% प्योर। सो यहां से आप एक प्योर PH3 बना सकते हो। ये जो पूरी रिएक्शन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कभी कोई JEE या NEET का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस एडवांस लेवल तक प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको बहुत अच्छे से देखना होगा। इसके अलावा अगर आप और भी कोई ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों को ये देखना चाहिए, क्योंकि अमोनिया के साथ फॉस्फीन गैस को कंपेयर करके ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इस फॉस्फीन गैस के ऊपर मेनली कॉन्सेंट्रेट करना ही करना है। इसके बाद देखिए आगे, ठीक है। अब एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, वो पता है आपने सुना होगा बेटा, आप लोगों को पता होगा विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प सुने, नहीं सुना तो गूगल करके देखना। आपको क्या दिखेगा, जिसको हम गॉश लाइट बोलते हैं, ठीक है, वो ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट होती है ना, जैसे ग्रेवयार्ड्स या माइंस वगैरह हैं उनमें से जो वो ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट निकलती है वो किसकी होती है, वो PH3 की तो होती है, फॉस्फिन विद इम्प्योरिटीज। जब वो बर्न होके फॉस्फिन विद इम्प्योरिटीज बन जाता है ना पहले स्टेप वाला, तो वो ब्लू ग्रीन लाइट जिसको हम कहते हैं कि वो भूतों वाली लाइट है, वो बेसिकली ये वाली लाइट ही तो होती है, मतलब वो फॉस्फिन से ही तो बनी होती है। ग्रेवियर्ड्स वगैरह में किमें कैसे, क्योंकि हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी है तो उसमें बेसिकली क्या है, वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी हुई है ना, तो वहां पे फॉस्फोरस होने की वजह से जो फॉस्फिन कंपाउंड है वो बनता रहता है, और फॉस्फिन कंपाउंड बनने की वजह से वहां पे एक ब्लू ग्रीन कलर की लाइट ज्यादा दिखती है हमें, और हाइड्रोजन होती है बीच में, तो वो लाइट गैस होने की वजह से वो हमें हवा में ऐसे ऐसे मतलब फ्लॉट फ्लॉट से करती हुई दिखती रहती है, ठीक है। और वो उसको कौन सी लाइट बोला जाता है, फॉस्फोरेसेंट लाइट बेसिकली, क्योंकि वो फॉस्फोरस की लाइट है तो फॉस्फोरेसेंट लाइट बोला जाता है। आप विल ओ द विस्प भरोगे तो आपको गूगल पे दिखेगी वो लाइट, आप उसके से रिलेटेड वीडियोस कुछ भी देख सकते हो। सो ये एक जनरल बात है ना। इसके अलावा आ जाओ बेटा आगे, हम अभी हमने बात करी अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, अमोनिया बहुत अच्छा बेस है, PH3 बहुत पुअर बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया। जो नीचे वाले दो है उनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फॉस्फीन गैस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो अमोनिया क्या है, अच्छा बेस है। अगर मैं उसको एक HCl मतलब कोई भी नॉर्मल एसिड के साथ, चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेटेड हो, मतलब डाइल्यूट के साथ करूंगी तो उसने अमोनियम क्लोराइड दे देना है। क्यों दे रहा है, अभी आपको पता है क्योंकि वो अच्छा बेस है, वो इसलिए ये रिएक्शन दिखा रहा है। फॉस्फिन इसमें नो रिएक्शन क्यों बता देता है, डाइल्यूट HCl में डाइल्यूट समझते हो, जिसमें एसिड की अमाउंट कम और पानी ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें एसिड ज्यादा होता है पानी कम होता है ना। सो बेसिकली ये क्या है, दिस इज पुअर बेस ना बेटा, ये एक पुअर बेस है ना PH3। सो ये क्या दिखाता है हमें, नो रिएक्शन दिखाता है। अगर आपको फॉस्फीन की, अब वो पुअर बेस है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसकी रिएक्शन कराओगे तो फिर हो सकता है कि वो फॉस्फोनियम क्लोराइड दे, PH4Cl देगा, मतलब वो नॉर्मली नहीं देगा। आपको ये चीज पहले पता होनी चाहिए, अगर किसी डाइल्यूट या नॉर्मल एसिड के साथ अमोनिया मतलब अमोनिया रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छे एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, वो बुरे के साथ भी, क्योंकि वो अच्छा बेस है। अच्छा बेस का मतलब
जो उसके पास यहाँ पे लोन पेयर हैं वो उनको इजिली डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैं बार बार एक ही पॉइंट रिपीट कर रही हूं, मतलब इसके ऊपर मेन कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। बट पी एच थ्री है जो, वो अपने उसके एस ऑर्बिटल, जो प्योर एस ऑर्बिटल है, वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने की वजह से, हमने पीछे बात कर ली कि वो ज्यादा पास होने की वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, इस वजह से वो अच्छा बेस नहीं है। अच्छा बेस नहीं होने की वजह से वो हर एक एसिड के साथ नहीं रिएक्ट कर पाएगा, वो किसी पावरफुल एसिड के साथ ही रिएक्ट कर पाता है। सो वो HCl कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही रिएक्ट कर पाता है। अब देखो, अगर मैं पी एच थ्री की, अब आपने एक चीज सुनी हुई है अमोनिया के बारे में, ये देखो, कहते 100 ml वाटर में 30 ग्राम 1 ग्राम ऑफ अमोनिया डिसॉल्व हो जाता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml आपके पास वाटर है तो उसमें 31 ग्राम अमोनिया डिसॉल्व हो जाता है। दैट मीन्स अमोनिया की जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी ज्यादा है। देखो, दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, बॉन्ड एंगल पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, बॉन्ड एंगल के बाद हमने बात करी है, पहले बॉन्ड एंगल की कर ली, फिर उसके बाद हमने शुरू में बात करी थी बेसिसिटी की, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट एक और ऐड कर लिया हमने इसी में, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि वो अच्छा बेस है इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी पावर भी ज्यादा है। सो अगर जैसे अब मैं अमोनिया की, मतलब NH3 की हम रिएक्शन करेंगे वॉटर के साथ, तो आपको पता है उसने नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसने बता ही दिया है कि उसने तो अपना अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी फास्टली बना देना है क्योंकि वो अच्छा बेस है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप फॉस्फीन की ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे कर रहे हो तो उसने अगेन नो रिएक्शन दिखा देना है क्योंकि वो बुरा बेस है। यहाँ पे ना एक और टॉपिक ऐड कर सकते हो बेटा, आप लोग एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो अगर थोड़ा ज्यादा डीपली जाना चाहते हो, कि हम सॉल्युबिलिटी की बात तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी कर लेते हैं ना, तो आप ये कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि नाइट्रोजन है जो, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस नहीं बनाता, सो दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल, मतलब कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू फॉस्फिन। अब थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बात करें लिटिल बिट, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर हमें ये पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ जो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं वो सिर्फ तीन ही एलिमेंट होते हैं, FON, फोन याद रखना है आपने, FON, कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कौन कौन से तीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं शो कर पाता, अभी हमें पता चल गया कि फॉस्फोरस नहीं शो करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, नाइट्रोजन करता है, क्यों, रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दो कंडीशन होती है, फर्स्ट इज द एलिमेंट शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज द फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑक्सीजन इज द सेकेंड, उसके बाद नाइट्रोजन क्लोरीन। पर अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन है और जो क्लोरीन है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, फ्लोरीन क्यों नहीं कर रहा, सॉरी क्लोरीन क्यों नहीं कर रहा, सीएल क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि जो नाइट्रोजन है ना उसका साइज भी स्मॉल है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो दो कंडीशंस है उसमें पहली तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन दूसरी ये भी है बेटा कि जो उसका साइज है ना, साइज शुड बी स्मॉल, वो स्मॉल होना चाहिए। नाइट्रोजन तो स्मॉल है लेकिन क्लोरीन स्मॉल नहीं है, इसलिए क्लोरीन नहीं दिखा पाता, फॉस्फिन तो दिखाएगा ही नहीं क्योंकि उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो है, इट्स ओनली 2.1, है ना। सो FON सिर्फ ये तीनों दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा बेस होने का कारण ये भी है, वो अच्छा बेस है और क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने की वजह से अमोनिया है जो विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, बट जो PH3 है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे फॉस्फिन पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। गॉट इट, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट देखिए। अब कुछ और नॉर्मल रिएक्शंस हैं, मतलब फॉस्फोरस की, मतलब फॉस्फीन की बेसिकली। देखिए फॉस्फीन को कहते हैं, अगर आप एक नॉर्मल 440 डिग्री सेल्सियस या इलेक्ट्रिक आग जहां पे भी आ जाए आपको पता होता है चीज ने टूट जाना है ना। सो इलेक्ट्रिक आग आ गया तो आपको पता है यहाँ पे हमें एक फॉस्फोरस मिलता है, व्हाइट फॉस्फोरस मिलता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है इस रिएक्शन में। इसके अलावा देखो कैल्शियम फॉस्फाइट लोगे, कहते हैं आप कैल्शियम फॉस्फाइट लोगे, उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस फॉस्फिन गैस मिलती है, फॉस्फिन गैस आपको यहाँ पे भी मिल सकती है, ठीक है। आपको ये पता ही होता है ना, अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट लेते तो यहाँ पे क्या होता, कैल्शियम नाइट्राइट मिल जाता हमें, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट लेते तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स मिल जाते, ये सारी रिएक्शन तो हमने पढ़ी होती है ना। सो यहाँ पे एक और फॉस्फिन को बनाने का तरीका क्या है,
अगर आपके पास कैल्शियम फॉस्फाइट है Ca3P2, उसकी हाइड्रोलाइसिस करते हो तो CaOH2 वो मिलेगा, प्लस फॉस्फेन बाहर निकल जाना है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज और आ गई, ये वाली रिएक्शंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखनी है। देखो बेटा क्या कह रहा है वो, कहते अगर PH3 के साथ आप क्लोरीन Cl2 को गैस को रिएक्ट कर रहे हो, लिमिटेड Cl2 देनी है आपने, बहुत एक्सेस में नहीं, तो आपके पास PCl3 बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी Cl2 को एक्सेस में यूज कर लेते हो तो आपके पास PCl5 बनेगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट, आपको पता है दो क्लोरीन है ना, फॉस्फोरस के एक Cl3 एक Cl5, अगर आप लिमिटेड में यूज करते हो तो Cl3 मिलेगा, अगर आप एक्सेस में यूज करते हो तो PCl5 मिलेगा। अब जो ये नीचे वाली रिएक्शन है ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ फॉस्फीन, ठीक है। और ये देखो इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फीन को अगर आप, ये रिएक्शन कर रही हूं मैं फॉस्फीन की अगर आप CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हो, CuSO4 में देखो कॉपर सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है, ठीक है। हुआ क्या, हो क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी नीचे देखो पीपीटी में PU इसके साथ CuSO4 को वो रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और अब जब रिएक्ट करा तो उसने क्या बनाया, Cu3P2 प्लस कॉपर मेटल हमारे पास निकला, और जो ये कॉपर निकला है हमारे पास ये जीरो में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। जब आप +2 से जीरो जाते हो तो क्या होता है, उसका मतलब रिडक्शन, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो वो उसके और रिडक्शन करा रहा है, कॉपर सल्फेट को कॉपर में रिड्यूस करने के लिए किसको यूज करा जा सकता है, फॉस्फीन को यूज करा जा सकता है, और दिस इज द टेस्ट ऑफ फॉस्फीन। और ये उसको अमोनिया से अलग भी करता है, जो अमोनिया है ना बेटा, जब आप अमोनिया का CuSO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो कॉपर नहीं देगा, वो रिड्यूस नहीं करता, ये वाला टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। फॉस्फीन को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा जाता है तो वो क्या करता है, उसकी उसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन अगर आप अमोनिया को करोगे तो अमोनिया ये टेस्ट नहीं दिखाता। एक और पॉइंट मिल गया आपको, देखो हमने कितनी चीजें देखी हैं, हमने देखा अमोनिया अच्छे से पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये नहीं करता फॉस्फीन, अमोनिया है जो अच्छा बेस है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना, ऐसी कितनी सारी रिएक्शंस पीछे हमने पढ़ी है कि जो जहां पे अमोनिया अच्छा वो जैसे HCl वगैरह के साथ किसी, वो अच्छा बेस होने के साथ किसी एसिड के साथ अच्छा रिएक्ट करता है लेकिन फॉस्फीन नहीं करता। अब एक और टेस्ट जहां पे फॉस्फीन करता है अमोनिया नहीं करता, हम वो कर रहे हैं, ये वो टेस्ट है जो फॉस्फीन दिखाता है लेकिन अमोनिया नहीं दिखाता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। सो क्योंकि हम ना फॉस्फीन को पूरा कवर कर रहे हैं कि अगर आपको फॉस्फीन पढ़ना है तो आप ये वाला वीडियो लेक्चर देखो, खत्म कहानी। सो नेक्स्ट देखो ये आ गया, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ फॉस्फीन, ये भी फॉस्फीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखिए इसमें क्या होने वाला है, अगर आप फॉस्फीन का सिल्वर नाइट्रेट के साथ सॉल्यूशन के साथ AgNO3 के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हो तो वो एक ऐसा इंटरमीडिएट देता है Ag3P.AgNO3, ये वाला वो क्या देता है बेटा, इंटरमीडिएट देता है, और यहां से एक एसिड निकलता है डैट इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके। अगर आप उसी इंटरमीडिएट की हाइड्रोलाइसिस कर दो, उसमें वाटर एड कर दो, तो आपके पास सिल्वर के डार्क ब्लैक पीपीटीज मिल जाएंगे, और उसके अलावा एक और HNO3 एंड H3PO3, ठीक है, वो कंपाउंड्स बाहर निकल जाएंगे। या मेन कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, हमें डार्क ब्लैक कलर के पीपीटीज मिले हैं, और जो ये डार्क ब्लैक कलर के पीपीटीज हैं ये फॉस्फीन के साथ ही मिल सकते हैं। अगर आप इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके सोचो कि आगे कुछ यहाँ पे कुछ बन जाएगा फिर, तो अमोनिया ये टेस्ट नहीं दिखाता। देखो दो टेस्ट आपने पढ़े हैं, एक तो रिडक्शन वाला, एक ये वाला टेस्ट, ठीक है। एंड दिस टेस्ट इज नॉट शोन बाय अमोनिया, अमोनिया इस टेस्ट को शो नहीं करता, ठीक है। दिस टेस्ट इज नॉट शोन बाय अमोनिया, अमोनिया इस टेस्ट को शो नहीं करता है, ये भी आपने देखना है ध्यान से, ठीक है, डन। अब ये था बेटा हमारा फॉस्फीन वाला कंपाउंड, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखो यहां पे इसकी पहले बेसिसिटी एंड बॉन्ड एंगल के बारे में सिंपल बात करी, फिर उसके बाद हमने ड्रैगोस सीखा, ड्रैगोस के बाद मैंने आपको ये वाला फॉस्फीन वाली एक बना के दिखाया था कि प्योर पी प्योर है, उनका क्या रोल रहता है, कैसे रहता है। कोई भी डाउट है
या कोई भी और टॉपिक जिसके आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये वाला स्पेसिफिक टॉपिक है जो हमें जो हमारी डिमांड में हम वो समझना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको अवेलेबल हो जाएगा वीडियो लेक्चर। ठीक है, इसके बाद देखिए ड्रैगोस पढ़ा, देन हमने ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन करी, इसके इसको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे इंप्यूरिटीज आती है इस वजह से बर्न होता है, फिर उसको हमने प्यूरिफाई कैसे करा उसके बारे में बात करी है। उसके बाद देखिए बेटा हमने उसकी कुछ रिएक्शंस करी, जो अमोनिया अच्छा बेस है वो शो करती है। ठीक है, थोड़ी सी हमने किसके बारे में यहाँ पे बात करी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात भी हुई थी। किसी भी बच्चे को अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कोई डाउट है कि उसको पता नहीं चल रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो वो कह सकता है, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर भी उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए फॉस्फेन मतलब PH3 है जो ये वाला कंपाउंड है, ये मतलब कौन कौन सी रिएक्शन दिखाता है फॉस्फिन, तो मैंने कहा उससे अगर फॉस्फोरस बनाना हो, यहाँ ये आ गया टॉबली कैल्शियम फॉस्फाइड से आप फॉस्फिन बना सकते हो, ये उसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन हो गया, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉस्फिन के टेस्ट, फर्स्ट वन इज दिस जिसमें वो रिडक्शन दिखाता है, एंड द सेकेंड वन इज दिस जिसमें वो डार्क ब्लैक कलर के सिल्वर के पीपीटीज देता है जो अमोनिया नहीं दे सकता। ठीक है, होपफुली आप लोगों को पूरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, और जो भी कोई डाउट्स हैं आप लोग बता सकते हो, ये एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक फिजिकल किसी भी केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ बात कर सकते हो, नंबर दिए हुए हैं उनको, आप कोई भी क्वायरी हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की कोचिंग भी अवेलेबल है यहाँ पे, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर भी चाहिए होगा तो आप बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।